हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है 25 अक्टूबर और आज जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो मार्केट का हालत जो है बहुत ही ख़राब हालत है और मार्केट में बहुत अच्छा अमाउंट का जो है सेल ऑफ हो रहा है और एक्सट्रीम फियर जैसा आप देख पा रहे हैं। दो सेक्टर है जैसे कंज्यूमर गुड्स, हेल्थ केयर, फार्मा हैज बिन पॉजिटिव और बाकी जितने भी सारे सेक्टर है वो आपके नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। सो द मार्केट आज जो है वीकेंड था, ठीक है, मतलब वीक का एंड है, तो आज मार्केट जो है जिस तरीके से गिरा है, मतलब उतना भी नहीं गिरा है, बट कुछ कुछ स्टॉक जो है बहुत दर्दनाक तरीके से नीचे की तरफ गए गिरे हैं। निफ्टी बैंक में बहुत सेल ऑफ हुआ है, स्मॉल कैप में सेल ऑफ हुआ है, मिड कैप में बहुत अच्छा सेल ऑफ हुआ है। तो अगर हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो मार्केट में हम ये देखने को मिल रहा है कि एक पूरा भयानक तरीके का स्लंप है और ये ऐसा नहीं कि नया पैटर्न है और ये पैटर्न आपको पहले भी देखने को मिला था। मैं अगर पुराना लेवल्स को अगर चेक करता हूँ सो जैसे यहाँ पे एक स्पाइक हुआ था, नीचे की तरफ स्लंप हुआ था, तो यहाँ पे भी आपको ये प्रॉफिट बुकिंग का जो आसार है वो आपको देखने को मिल रहा है। पहले के लेवल्स को अगर हम चेक करते हैं, दीज आर दी लेवल्स फ्रॉम 2000 ओके मार्च 2024, तो इस साल में जो है बहुत अच्छा उसने रिकवर किया है। सो इस तरीके से लेवल जो है आप चेक कर पा रहे हैं, बट आपका जो मंथली लेवल्स है या आपका वीकली लेवल्स को अगर हम चेक करते हैं तो ये आपका लेवल देखने को मिल रहा है। मार्केट इज लुकिंग टू रिवाइव, जो भी हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला जोन बना के रखा हुआ था वहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सपोर्ट है और आज जो है मार्केट ने आपका रिकवर किया, एट दी एंड रिकवर किया है। डे दिन जब शुरू हो रहा था बहुत अच्छा स्लम्प हुआ था, फिर उसके बाद जो है एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे अच्छे लेवल का बाइंग हुआ था, बट अगेन ये जो आपका इस जगह पे सपोर्ट आना चाहिए था वो सपोर्ट नहीं है, वहाँ पे भी सेलअप हुआ है, तो सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लास्ट में हमने देखा कि बायर्स वे लुकिंग टू पुश द मार्केट अपवर्ड्स। सो बॉटम लाइन ये है कि अभी जो है सेलिंग प्रेशर मार्केट में बहुत ज़्यादा है, बट मोस्ट प्रॉब्ली मंडे से हमें देखने को मिलेगा, वी कैन एक्सपेक्ट लिटिल बिट ऑफ बाइंग प्रेशर एज वेल। और ओवरऑल अगर हम देखें सो बोरा जो है बहुत तगड़े लेवल पे सेल ऑफ कर रहा है, इसलिए मार्केट जो है उस तरीके से रिकवर नहीं कर पा रहा। बाकी जितने भी सारे इंडाइसेस अगर हम देखते हैं, CNX ऑटो 2.5% गिरा है, स्मॉल कैप गिरा है, मिड कैप गिरा है, मेटल गिरा है, जो भी आपका केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेसेस है वो सारे गिरे हैं, एनर्जी लेवल गिरा है, PSU बैंक गिरा है, निफ्टी बैंक निफ्टी गिरा है। सो ये सारे जितने भी आपके सेगमेंट्स हैं, स्पेशली जो केपेक्स ओरिएंटेड जो सेगमेंट्स है, मेटल सेगमेंट है, ऑटो सेगमेंट है, ये सारा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से नीचे की तरफ गिरा, विच इज़ अ नॉट अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, बट होल इंडाइस में जो है पूरे इंडाइस के थ्रू, मतलब इंडाइस पकड़ पकड़ के जो है बेचा जा रहा है। एंड कल हमने देखा था, परसों हमने देखा था कि IT में बहुत अच्छा आपका बाइंग हो रहा था। सो अगेन मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा, अभी एक्चुअली मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है और ऑलरेडी जैसे हमने बात किया था मार्केट एज सच फ्री फॉल तो नहीं होने वाला है, मार्केट थोड़ा सा सर्वाइव करेगा, रिटेन करेगा, फिर से पाइल यू नो रैंप अप होगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल बी डूइंग पंप एंड डंप, अ लॉट ऑफ पीपल एज एन जो गोरा देसी जो है सब इसको पंप एंड डंप करेंगे। अभी गोरा अगर पैसा निकालता है, मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो डी वैल्यू होगा, फिर उसमें पैनिक सेलिंग होने के बाद आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम एक जगह पर स्टेबलाइज होगा, जैसे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन हमने देखा हुआ है। उसके बाद जो है गोरा फिर से आएगा मार्केट में, पुश करेगा मार्केट को, फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। सो दिस इज द नेचर ऑफ द मार्केट, दिस इज द नेचर ऑफ स्टॉक मार्केट। ये ऑलरेडी हम पैटर्न टेक्निकल में अगर हम देखते हैं, जूम आउट करके देखेंगे, यही पैटर्न होता है, ऊपर नीचे ये चलता ही रहता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट में अगर हम चेक करते हैं, आज जैसे मैंने कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स परचेज करना शुरू कर दिया, मतलब अकोमोलेशन स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने शुरू किया हुआ है, और उस पर जो है आज मैंने जो अकोमोलेशन किया है, जैसे आज मैंने परचेज किया है मार्क्सेल्स फार्मा, अशोक लेलैंड, भारत 22 ETF में परचेज किया है, निपोन, PSU बैंक मैंने थोड़ा सा यहाँ पे परचेज किया। PSU बैंक में टिपिकली परचेज, मतलब आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन इट, बट स्टिल मैंने हल्का सा उसको एक्युमुलेट करके रखा है फॉर लॉन्ग टर्म, और यही चीज़ है। और जो निफ्टी जितने भी सारे बाकी जो थे उसको मैंने यहाँ पे सेल ऑफ कर दिया। निफ्टी अभी मेरा आपका जो है उसने मेरे को तगड़े, मतलब डिसेंट मेरे को लॉस दिया था, और जैसे मैंने बताया कि स्विंग ट्रेड जब करते हैं तो वहाँ पे वो प्रॉफिट एंड लॉस आपको पकड़ के चलना पड़ता है, वो इसलिए क्या गेम खेलते हैं। और अगर हीट मैप को हम चेक करते हैं तो हरियाली कुछ जगह पे, 1, 2, 3, 4 जगह पे हरियाली है, बाकी जगह पे लाली चाहिए हुई, कुछ ज़्यादा लाली है आपका केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेसेस में। रिलायंस जो है आपका नियर अबाउट 1% आपका नीचे की तरफ गिरा था, बट कुछ बड़े जो लार्ज कैप प्राइवेट बैंक है वो आपका बहुत ही ज़्यादा म्यूटेड था। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ मूवमेंट ऑन मंडे एज वेल, सो लेट्स सी हाउ इट मूव्स। और सारा न्यूज़ का जो कंटेंट है आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा, आपको ऑलरेडी पता है, profitnava.com पर जाकर आप सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। एक मेंबरशिप के माध्यम से सारा कंटेंट जो है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। आज नियर अबाउट 69 हेडलाइंस है, मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं, ईयरली मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारे वेबसाइट का सारा कंटेंट हम बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। सो हमने आज देखा कि कुछ रिजल्ट्स आए हैं, ITC का आज रिजल्ट आया है, फिर बहुत सारे जो बैंक्स है उसका रिजल्ट आया है, तो हमने यहाँ पे देखा है कि जो बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पे आपका प्रोविजन्स ज़्यादा है, प्रोविजन्स की वजह से आपका जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ गया है,
बट जितने भी हाउसिंग वाले कंपनीज है, पीएनबी हाउसिंग हो गया, होम फर्स्ट फाइनेंस जो है, उसका सारे का जो है ज्यादा जो कंपनीज है जो हाउसिंग में गेम खेल रहे हैं, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट का लोन यानी 1 करोड़ 2 करोड़ का लोन, स्मॉल टिकट लोन जिसको बोलते हैं, गोल्ड लोन जो है, वहाँ पे आपका अच्छा नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। एंड फार्मा में भी जो है हमें डिसेंट मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सो सारा इंपॉर्टेंट न्यूज आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहला न्यूज जो है वो हम चेक करेंगे, किराना इज अलाइव बट नॉट किकिंग, सेल्स इन अर्बन किराना हैव सीन 20-30% ग्रोथ मंथ ऑन मंथ, हैव सीन 20-30% मंथ ऑन मंथ ड्रॉप सिंस जुलाई, दिस डिक्लाइन कम्स एफएमसीजी कंपनीज रिपोर्ट स्टेडी राइज इन क्विक कॉमर्स सेल्स। हाँ वो तो कर ही सकते हैं, बट अर्बन एरियाज में जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे भी आपका ब्लिंकेट या जितने भी ई कॉमर्स कंपनीज है या आपका क्विक कॉमर्स कंपनीज है वो उतना ज़्यादा वाइड नहीं है, उनका बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। जैसे अगर आपको दिल्ली एनसीआर में अगर हम देखते हैं, दिल्ली एनसीआर में अवेलेबल है, पर आपका जो कुछ टीयर टू सिटीज या टाउन में जो है वो उस लेवल पे स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, हब एंड स्पोक मॉडल में जो काम होता है उस पर आपको मैन पावर लाना पड़ेगा, मैन पावर पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल सी दैट प्रोग्रेशन। बट यहाँ पे किराना शॉप जो है उस जगह पे ये देखने को मिल रहा है कि जो शॉपिंग पैटर्न है या जो बिहेवियर है वो आस्ते आस्ते जो है वो चेंज हो रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो क्विक कॉमर्स कंपनीज है दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ बेनिफिट, और इवेंचुअल बेनिफिट जो होगा वो आपका रिलायंस जियो मार्ट होने वाला है, बिकॉज वो उसके पास मैनुफैक्चरिंग भी है, खुद का ब्रांड भी है, अपना स्टोर भी है, डिलीवरी सिस्टम भी है और अपना मैन पावर भी है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जियो जो है, जियो मार्ट जो है, इट विल बी डोमिनेटिंग द बिजनेस ऑल टुगेदर, तो उस पर हमें थोड़ा सा अवेयर होकर चलना पड़ेगा। अगला न्यूज चलिए देख लेते हैं, पीएफसी आरईसी कट्स वीआई बोरोइंग कॉल, ठीक है, वांट्स एक्स्ट्रा कवर। सो पीएफसी और आरईसी जैसा वीआई जो है ऑलरेडी खत्म कंपनी है और यहाँ पे उसने ओएफएस किया था, ओएफएस में नियर अबाउट 12,000 करोड़ उसने उठाया था, फिर भी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। बट यहाँ पे पीएफसी आरईसी जो है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है, पीएसयू बैंक है, और पीएफसी और आरईसी अगर पैसा देता है वीआई को दैट मींस द गवर्नमेंट इज फाइनेंसिंग वीआई। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग और आई एम एक्सपेक्टिंग दैट वीआई बैंकक्रप्ट हो जाएगा, उसको गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी, उसके बाद आपका जो है बीएसएनएल के साथ मर्ज करके इट विल बी द थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर इन इंडिया, बिकॉज रिलायंस एंड एयरटेल जो है दोनों ने डुओपोली मार्केट में करके रखा हुआ है, अपने मन मुताबिक वो जो है चार्ज कर रहे हैं। तो इस जगह पे एक थर्ड वेरिएंट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और वही चीज़ आपको एयरलाइन सेक्टर में भी देखने को मिलेगा जहाँ पे स्पाइसजेट को गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली सर्वाइव करके रखा हुआ है। सो पावर फाइनेंस कंपनीज एंड आरईसी जो हैव डिक्लाइंड वोडाफोन आइडियाज रिक्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म लोन, पीएफसी एंड आरईसी साइटेड कंसर्न्स ओवर इंटीग्रल गाइडलाइंस एंड लैक ऑफ सफिशिएंट कोलैटरल। तो यहाँ पे कोलैटरल मांगेंगे और यहाँ पे ऑलरेडी इनके पास इंडस टावर था, इंडस टावर का जो है होल्डिंग इन्होंने बेच दिया है, सो उनके पास कोलैटरल का तो एज सच होगा नहीं, तो फिर वो अपना जो स्टॉक्स है या अपना जो इक्विटी है उसको हेज करेंगे। एंड ऑलरेडी आपने देखा होगा कि प्रीवियस जो हार्डवेयर इन्होंने परचेज किया हुआ था वहाँ पे भी वो बोल रहे थे कि आपको जो है हम स्टॉक प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उससे जो है सेटल कर लो। सो अगेन मोस्ट प्रोबेबली वी कैन एक्सपेक्ट दैट गवर्नमेंट के पास और भी ज़्यादा होल्डिंग होगा, एंड इवेंचुअली दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक दैट गवर्नमेंट विल बी टेकिंग ओवर द होल कंपनी एंड इट विल बी मर्जिंग इट टुगेदर विद बीएसएनएल और बीएसएनएल एंड वोडाफोन वाइजनल समथिंग ऐसा कुछ नाम बना देंगे वहाँ पे, और फिर उसके बाद वो एक थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर हो जाएगा जो बाबूलुक चलाएंगे, बाबूलुक नहीं चलाएंगे वो आपका टाटा ही चलाएगा, सो इवेंचुअली टाटा भी वहाँ पे बैकबोन में वो गेम खेलेगा। सो दिस इज हाउ इट इज एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ, एंड टेलीकॉम सेक्टर में अगर आप गेम खेलते हैं तो ये थोड़ा सा आपके लिए अवेयरनेस होना चाहिए। एक्सपोर्ट पुश, इजियर लोन ऑन बॉक्स, कोलैटरल फ्री प्री शिपमेंट लोन स्कीम फॉर एसएमई एंड ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स, ये बहुत अच्छा चीज़ है क्योंकि सबसे यहाँ पे दिक्कत ही होती है कि जब भी आप एक्सपोर्ट करने जाते हैं एक तो होता है कि क्वालिटी कंट्रोल, फिर आपको सर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जैसे आपको पता है कि जब भी आप एक्सपोर्ट करने जाते हैं वहाँ पे स्टोरेज वेयरहाउसिंग इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड वहाँ पे करप्शन बहुत तगड़े लेवल का होता है। जितने भी आपके पोर्ट्स देखोगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दी प्राइवेट पोर्ट्स जैसे मुंद्रा पोर्ट हो गया, बट जो गवर्नमेंट पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे आपका ट्रेड यूनियन होता है, वहाँ पे माफिया होता है, इसलिए आप देखोगे जितने भी आपके इंडिया में पोर्ट्स हैं, मुंबई हो गया, फिर कोलकाता हो गया, जितने भी सारे पोर्ट्स हैं इंडिया में वहाँ पे आपका एक कॉलोनी आपको देखने को मिलेगा, बस्ती, ये सब एरिया है जहाँ पे आपका जो क्राइम रेट है, लोकल माफिया जो है वो लोग हमेशा आपका डोमिनेट करते हैं उस सेक्टर को, यहाँ पे कंटेनर काट के सामान निकाल लिया, ये सारी चीज़ें होती है। बट अब पहले बहुत ज़्यादा होता था, अभी बहुत लेवल तक कम हुआ है, सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर दिया गया है। सो बट अगेन
वहाँ पे एक बहुत अच्छे लेवल का करप्शन है, ठीक है, और इसलिए एक्सपोर्ट करना इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज कोई भी चीज़ अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कभी भी कोई भी टैरिफ लगा देगा, कुछ भी कर देगा, फिर वहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं होती है। सो इसके वजह से जो है एक्सपोर्ट मार्केट सर्विसेज जो है वो आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज यू डू नॉट नीड परमिशन फॉर दैट। बट जब भी कोई गुड्स आप एक्सपोर्ट करते हैं उस जगह पर, ये करप्शन जो है आपको रोकता है। और एक सबसे बड़ा चीज़ हो जाता है कि जब भी आप कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको शॉर्ट टर्म के लिए मे बी 60 डेज 90 डेज एक क्वार्टर के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, वो आपको मिलता नहीं है, कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं करता शॉर्ट टर्म लोन, और फिर अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं तो फिर वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो गवर्नमेंट अगर इस तरीके के लोन प्रोवाइड कर सकती है, लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करती है, सो इट विल बी अ वेरी वेरी बिग बोन फॉर द एक्सपोर्ट सेक्टर, स्पेशली जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, स्मॉल मीडियम कंपनीज है, बहुत सारे लाखों लाखों करोड़ों जो कंपनीज हैं, जो आपके इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट SME सेक्टर, इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द इंडिया इन इंडिया, ठीक है। सो इस जगह पे ये बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव है, बट ये कितना आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि जब भी आपका सरकारी चीज़ हो जाता है तो वहाँ पे करप्शन जो है इट इज़ अ सिनोनिम। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर पीपल हु आर गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। नेक्स्ट न्यूज़ हो जाता है पेट्रोनेट LNG का जो Q2 है उसका नेट प्रॉफिट 4% बढ़ा है, विच इज़ वेरी डिसेंट। LNG और भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए था, बट अभी वो बहुत डिसेंट मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे 848 करोड़ उन्होंने जो है आपका नेट प्रॉफिट है एट्रीब्यूटेड टू एफिशिएंट यूज ऑफ कैपेसिटी एट दाहेज इंपोर्ट टैप टर्मिनल। दिस इंडिकेट स्टेडी डिमांड फॉर LNG बोलस्टरिंग पेट्रोनेट्स प्रॉफिटेबिलिटी। सो LNG जैसे नेचुरल गैस है, CNG लिक्विफाइड है, और उसको जब आप कंप्रेस करते हैं वो होता है, हो जाता है आपका CNG। सो पेट्रोनेट LNG आपका पूरा जो सेगमेंट है, पूरा जो नेचुरल गैस का सेगमेंट है, वो आस्ते आस्ते ग्रो कर रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ग्रो कर रहा है, पाइप PNG के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। PNG का मतलब होता है पाइप नेचुरल गैस, उसके माध्यम से आपका घर घर तक आपका नेचुरल गैस प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, LPG की जरूरत नहीं होती है, LPG के ऊपर डिपेंडेंट जो वो कम किया जा रहा है। और PNG जब आप करते हैं, पाइप नेचुरल गैस जब करते हैं, तो वहाँ पे आपका पाइपलाइन बनाना पड़ता है, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वहाँ पे केपेक्स लग जाता है। सो दिस इज समथिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली जो CNG का जो कंजम्पशन है, इट इज स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज रिप्लेसिंग LPG एंड ऑल्सो पेट्रोल इंजन जो होते हैं वहाँ पे भी आपका CNG का इस्तेमाल करके आपका जो बफर फ्यूल, इट इज़ अ बफर फ्यूल, LNG इज़ अ बफर फ्यूल जो आपको मदद करेगा टू मूव टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी या आपका नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी पे आपको मदद करेगा। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, पूरा सेक्टर ग्रो कर रहा है, आस्ते आस्ते ग्रो करेगा, सो एकोमोडेशन माइट बी समथिंग जहाँ पे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। सो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, और एक बार पेट्रोनेट LNG अगर हम चेक करते हैं तो NSE में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये भी आपका नीचे की तरफ गिर रहा है, 50 डीमा 100 डीमा 50 डीमा 21 डीमा और 200 डीमा के नीचे आपका चल रहा है। आपका सेलिंग बाइंग प्रेशर तो बहुत तगड़े लेवल पे है, बट स्टॉक जो है वो उस तरीके से आपका अच्छा मूव नहीं कर रहा है। हाई बहुत टेक्निकली अगर हम देखें तो इट इज़ वेरी वेरी ओवर वैल्यूड राइट नाउ। अगर हम लेवल्स को भी चेक करते हैं, लेवल्स अगर चेक करते हैं, ओवर वैल्यूड तो है ही है, और उसके साथ साथ जो है बहुत दिनों से मैंने पब्लिकली वीडियो अपलोड नहीं किया है, जैसे आपका एक सेकंड पेट्रोनेट LNG को अगर हम देखते हैं तो इट इज़ डूइंग रिलेटिवली वेल, सेल्स भी बहुत अच्छा है, बट बीच में गिरा है, जो रिकवर हो रहा था वो नहीं हो रहा है, तो इतना ज़्यादा तो ओवर वैल्यूड होना नहीं चाहिए। एक सेकंड लेवल्स को देख लेते हैं, स्टॉक पी 12 है, इंडस्ट्री पी कितना है 16 है, सो उस हिसाब से अंडर वैल्यूड है इंडस्ट्री के हिसाब से, बट करेंट प्राइस जो है वो नियर अबाउट ऑल टाइम हाई के नीचे आसपास घूम रहा है। डिविडेंड यील्ड भी बहुत कम है, डेट डिसेंट है, ऑपरेटिंग मार्जिन 10% है, तो 10% ही होता है, 10-12% के बीच में रहता है। डेट टू इक्विटी इज 0.15 विच इज़ क्वाइट लो, वेरी क्वाइट लो, बुक वैल्यू इज 123, तो मतलब अच्छा ही कंपनी है पेट्रोनेट LNG, लुक्स लाइक अ वेरी गुड बेट। फंडामेंटली अगर हम देखते हैं, सो जो भी यहाँ पे नंबर्स देख रहे हैं, जो भी है, इट लुक्स नाइस, 55,000 करोड़ का सेल है और 50,000 का मार्केट कैप है, सो लुक्स लाइक अ वेरी अंडर वैल्यूड कंपनी। सो यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, इक्विटी कैपिटल जो है इन्होंने इम्प्रूव किया है, CWIP जो है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है 2013 में बहुत ज़्यादा था, और 2020 में जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कुछ नहीं था, फिर अभी ये लोग फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो दैट इज दैट शोज दैट जो इन्होंने इस पीरियड में इन्वेस्ट किया था दैट इज ऑपरेटिंग राइट नाउ एंड दैट इज गिविंग देम दैट पुश। डेटर डेज जो है 25 दिन का है, 20 दिन का था, 25 दिन का थोड़ा सा कम होना चाहिए, कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो आपका बढ़ा है, वर्किंग कैपिटल डे जो है वो भी बढ़ा है, सो कैश ये थोड़ा सा कम होना चाहिए था, बट अगेन 2013 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, एंड अभी जो है 14 दिन हो गया, ROC 26, सो इट्स इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड कंपनी, प्रमोटर्स को होल्डिंग 50% ही है, एंड इट्स अ
पीएसयू, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, गेल, भारत बीपीसीएल मिला के इन्होंने पेट्रोनेट एलएनजी को तैयार किया है। एंड गोरे ने आपका 34% गोरे ने बेचा हुआ है यहाँ पे, डीसी ने परचेज करके रखा हुआ है। एंड पब्लिक ने 10% होल्डिंग करके रखा। सो पब्लिक होल्डिंग हैज बीन सेम एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैज बीन सेम, थोड़ा सा इम्प्रूव है। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कुछ ओएफएस भी हुआ था बीच में, सो जो देख के लग रहा है। एंड दैट्स इट, रेटिंग भी अच्छा रहेगा, गवर्नमेंट बैक कंपनी है, सो या इट्स अ वेरी गुड 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 थिंग। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अगला न्यूज जो है, रनवल बाय जो है उन्होंने आपका 4 एकड़ प्रॉपर्टी खरीदा बर्ली में, मुंबई में, दैट इज फॉर 800 करोड़। ओके, फिर से आपका रनवल रियल्टी जो है वो वहाँ पे बड़े बड़े जो है टावर खड़े करेगा। वेरी गुड। JSW का नेट प्रॉफिट जो है 2% बढ़ा है, विच इज नॉट बैड। कॉम्पिटेटिव सेक्टर, बाकी लोग तो डूब रहे हैं यहाँ पे, वो पैसा उठा रहे हैं। ACC का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो है 50% गिरा है, बट यहाँ पे अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, पैसा वापस नहीं आ रहा, रिटर्न नहीं आ रहा है। सो ये तो अभी होने वाला है, तो आस्ते आस्ते वो रिकवर कर जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डिक्सन का क्वार्टर 2 का जो नेट प्रॉफिट वो 3 गुना बढ़ा है, 412 करोड़, मतलब 265% बढ़ा है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। डिक्सन इज डूइंग रियली रियली वेल, डिक्सन के तो मजे मजे भाई। डिक्सन में मैं सोच रहा था डालने का, बट अभी जो हालत है डेट टू इक्विटी बहुत हाई है, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए 3% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, ऐसा बिजनेस में भाई बहुत रिस्की हो जाता है, वॉल्यूम नहीं रहेगा तो खत्म हो जाएगा बिजनेस, ठीक है। और प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड नियर अबाउट हाई और लो में डिफरेंस देखो, बुक वैल्यू 332 रुपये है और अभी करंट वैल्यू देखो कितना है, ये तो स्टॉक को तो मतलब टच ही नहीं कर रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए तो एकदम टच नहीं कर रहा है। 372 रुपये आपका फेज आपका बुक वैल्यू है, अभी करंट वैल्यू है 13,000 रुपये, मतलब 14,000 रुपये करंट वैल्यू है, कोई मतलब नहीं होता है। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम है, बट दे आर डूइंग रियली वेल, दे आर डूइंग रियली वेल। स्टॉक पी 149 है, इंडस्ट्री पी 40। नहीं, इस कंपनी में नहीं डालना यार, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, मतलब बहुत बहुत रिस्की हो जाता है। नाइन टोटल गैस का जो नेट प्रॉफिट है 7.5% बढ़ा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड या ओवरऑल एलएनजी जो है मतलब नेचुरल गैस का सेगमेंट जो है वो अच्छा ग्रो कर रहा है भाई, इसके मतलब दैट इज द एविडेंट एविडेंस है। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू एम्फेसाइज, ये तो करना ही पड़ेगा आपको इवेंचुअली, आपको क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, यू कैन नॉट कीप ऑन इम्पोर्टिंग एयरक्राफ्ट एंड ऑल टर्बाइन एंड ऑल, यू हैव टू लोकली मैनुफैक्चर इट। एंड असेंबली लाइन अगर यहाँ पे ऑलरेडी बोइंग ने काम शुरू किया है, एयरबस ने काम शुरू किया, तो वो अगर यहाँ पे इंडिया में हो जाता है, स्पेशली कमर्शियल में अगर हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हो जाएगा। इंडिया में मैनुफैक्चरिंग भी नहीं होगा तो असेंबली भी होता, तो ये बहुत बड़ी बात है। HUL worries trigger sell-off in FMCG companies. ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, FMCG में सेल ऑफ तो होने ही वाला है, बिकॉज उनका परफॉर्मेंस भी अभी जो है उतना अच्छा नहीं चल रहा था, FMCG में तो बहुत अच्छे लेवल का सेल ऑफ होगा। बट दिस विल बी अ सीजन वेयर आई विल बी लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटीज, जो इंडिविजुअल कुछ स्टॉक्स हैं वहाँ पे आई विल बी लुकिंग टू यू नो डू सम एक्विजिशन देयर, थोड़ा सा एक्युमुलेशन करके रखेंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज FMCG विल बी ग्रोइंग। ऐसा नहीं कि FMCG में पूरा नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कंजम्पशन तो बढ़ता ही रहेगा, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो FMCG का कंजम्पशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। FMCG मैं जो हूँ अभी लॉन्ग टर्म के लिए आई विल बी डूइंग एक्युमुलेशन, नॉट एग्जैक्टली HUL एंड ITC एंड ऑल, बट बहुत सारे कंपनीज हैं FMCG में, सो उसमें जो अच्छे अच्छे कंपनीज हैं जो फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्ट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो आपका रॉ मटेरियल सेल करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ऐसे कंपनीज में डेफिनेटली कुछ देखा जा सकता है। आई विल बी डूइंग दैट रिसर्च एंड आई विल बी ट्राइंग टू फिगर आउट कि अच्छा कौन कौन से कंपनीज में जो है अभी हल्का फुल्का एक्युमुलेशन कर सकते हैं। इंडसइंड का जो है प्रोवाइड्स मोर लोन फॉर लॉसेस एंड क्वार्टर 2 का जो नेट प्रॉफिट है 40% गिरा है, ये तो है, एनपीए हो रहा है। बीस क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक जो है वो आपका ऑक्शन में जाएगा, पहले भी किया था बट वो आपका सेल ऑफ नहीं हुआ था, सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। MUFG एंड कोक ग्रुप आपको अगर पता नहीं है, कोक जो है कोक ग्रुप मैं आपको दिखा देता हूँ, कोक ग्रुप जो है आपका दिस इज रन बाय 2 brothers, ये फैमिली बिजनेस है एंड आई फॉरगॉट देयर होल नेम समथिंग कोक, एंड ये दे आर दी वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर्स इन यू एस ए एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेटली हेल्ड कंपनी, एंड फर्स्ट है कारगिल, ठीक है। एंड इनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, कोक ब्रदर्स
चार्ल्स एंड डेविड कोक, इनका बुक एक बुक है, बहुत अच्छा बुक है, एंड आप वहाँ पे देख सकते हैं, एंड वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. एंड दे आर लुकिंग टू गेट इन टू MUFG. ऑलरेडी पता है कि जापानीज कंपनी, दे आर लुकिंग टू अक्वायर शिप रॉकेट. शिप रॉकेट हैज बीन डूइंग रियली वेल. आई पर्सनली यूज शिप रॉकेट क्योंकि मेरे कुछ बुक सेल करता हूँ, तो मेरा बुक जो है वो शिप रॉकेट के माध्यम से सेल करते हैं. बाकी पिकर था, सारे इन कंपनीज को शिप रॉकेट ने अभी परचेज के लिए. शिप रॉकेट अभी खुद से भी अपना जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ये सारी चीज़ वो जो है करने वाले हैं. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. एंड या इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी इन द इन 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 अमेरिका. एंड फर्स्ट में आपका कारगिल है, विच इज प्राइवेटली हेल्ड. कारगिल है एंड यू नीड टू नो अबाउट इट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब भी आप प्राइवेट कंपनी होते हैं तो सारा चीज़ आपको जो है ओपनली बताने की जरूरत नहीं होती है. एंड कारगिल आई यू नो कहाँ पे वो गेम खेलते हैं, कोक कहाँ पे गेम खेलते हैं. सो दिस इज दीज आर दी थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड एंड विल डेफिनेटली हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. या चलो मूव करते हैं. ओयो जो है उसने प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव किया है, 158 करोड़ जो है उसने प्रॉफिटेबल किया है. सो मोस्ट प्रॉब्ली दे आर गोइंग टू गो फॉर एन IPO. इमीडिएटली IPO कर देना चाहिए था, बट आई थिंक दे विल बी वेटिंग फॉर कपल ऑफ क्वार्टर्स. और CCI का अप्रूवल अगर मिल जाता है सो दे विल बी बाइंग शिप रॉकेट. और जोमेटो को भी, जोमेटो को भी यहाँ पे एक अच्छा पैसा मिल जाएगा. एंड बट यहाँ पे वही हो जाता है कि दे डू हैव द रिसोर्सेज, दे डू हैव द डेटा, बट दे डू नॉट हैव द बैकएंड यू नो इंटीग्रेटेड दैट इज डिलीवरी. वो डेफिनेटली MUFG आएगा, कोक ग्रुप आएगा, तो वो पैसा इन्वेस्ट डेफिनेटली करेंगे जहाँ पे वो अपना खुद का कुरियर सर्विस, एंड दे विल बी इनडायरेक्टली कम्पीटिंग विद Amazon कुरियर सर्विसेज. सो फ्लिपकार्ट कुरियर सर्विस, Amazon फ्लिपकार्ट सर्विस, Amazon का जो है कुरियर सर्विस, एंड मोस्ट ऑफली दे विल बी बाइंग सम अदर कंपनी लाइक गति एंड ऑल, जो अभी आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम दे विल बी स्ट्रगलिंग. सो मोस्ट ऑफली वी कैन एक्सपेक्ट दैट दे विल बी बाइंग DTDC और गति, एंड मर्ज कर देंगे, एंड दे विल बिल्ड अनदर कंसोर्शियम इन दैट. सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मैंने कवर कर लिया आपके लिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन बता सकते हैं. हमारे वेबसाइट में सारा कंटेंट आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, मंथली मेंबरशिप और ईयरली मेंबरशिप के साथ. तो मेंबरशिप लीजिए, फ़ायदा उठाइए और आगे बढ़िए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड मिलते हैं आपके साथ मंडे.